हेलो फ्रेंड्स, वैशाली क्रोशे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्रोशिया से ये ब्यूटीफुल क्रोशे फ्लावर हेडबैंड बनाना सीखेंगे। इसमें हमने डोरी भी लगाई है और डोरी के एंड्स में ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स बनाए हैं दोनों तरफ से। बहुत सुंदर ऐसा पैटर्न है। इस बैंड में हमने टोटल 14 फ्लावर्स ऐड किए हैं। इसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। आप इससे कम या ज़्यादा भी बना सकते हैं फ्लावर्स। आपको अगर छोटा बेल्ट चाहिए तो आप फ्लावर्स की संख्या कम कर सकते हैं। छोटी बच्चियाँ, टीनेजर्स और वुमेन भी इसे वेयर कर सकती हैं। यह हमने 3-ply कॉटन थ्रेड से बनाया है। आप वूल या एक्रेलिक यान से भी इसे बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हम ये गुलेरा सॉफ्टी कॉटन थ्रेड यूज़ करेंगे। 3-ply कॉटन थ्रेड है ये, मल्टी कलर, अलग अलग कलर के शेड्स में ये मिलते हैं। पिंक एंड ऑफ वाइट कलर के शेड में हमने इसे लिया है। सिंगल कलर भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये ऑफ वाइट कलर, क्रीम कलर यूज़ करेंगे हम। ये भी 3-ply कॉटन थ्रेड है गुलेरा, ये हम यूज़ करेंगे दोनों थ्रेड्स। इन थ्रेड्स के लिए हम 1.75 mm का हुक यूज़ करेंगे, सीजर, टेपेस्ट्री नीडल और इस तरह के बीड्स। ये ऑप्शनल है या लगा सकते हैं। सबसे पहले नॉट लगाएंगे इस तरह। नेक्स्ट 4 चेन करेंगे, चेन 4, यान और करेंगे और 4 चेन पर यहाँ पर डबल क्रोशे करेंगे। इस तरह स्पेस बना लिया हमने। नेक्स्ट 3 चेन करेंगे, 1, 2 and 3, चेन 3। नेक्स्ट चेन 4 करेंगे, 1, 2, 3 and 4, अगेन यान ओवर करेंगे, 4th चेन पर डबल क्रोशे करेंगे। इस तरह स्पेसेस बना लेंगे। इसमें हम फ्लावर्स बनाने वाले हैं और बीच में हमने चेन 3 का स्पेस रखा, अगेन चेन 3, चेन 3 प्लस चेन 4, 1, 2, 3 and 4, चेन 4 करेंगे, यान ओवर करेंगे और 4th चेन पर डबल क्रोशे करेंगे। इस तरह बना लेंगे हम 1, 2 and 3। दो फ्लावर्स के बीच में हम चेन 3 का स्पेस रखेंगे और इस तरह के स्पेसेस बनाते जाएंगे। 1, 2 and 3, 3 चेन हमने बना ली प्लस चेन 4, 1, 2, 3 and 4, अगेन यान ओवर करेंगे, 4th चेन पर डबल क्रोशे। इस तरह एक एक स्पेस बनाते जाएंगे और 2 स्पेसेस में चेन 3 बनाते जाएंगे। इस तरह हम चाहे जितना इसे लंबा बना सकते हैं। हम यहाँ पे 14 टाइम्स इसे बनाएंगे। इस तरह हमने 14 टाइम्स इसे बना लिया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14। यह हम बड़ी बच्चे के लिए बना रहे हैं, 14 to 15 ईयर्स की, इसलिए हमने ये 14 टाइम्स बनाए। 1, 2, 3, 4, चेन 4 करेंगे, अगेन यान ओवर करेंगे और स्पेस में
थ्री डबल क्रोशे टुगेदर करेंगे और एक बार बनाएंगे, फर्स्ट टू लूप्स में से निकाल लेंगे, थ्री टाइम्स बना लेंगे, थ्री डबल क्रोशे टुगेदर एंड चेन फोर, हुक पर एक लूप लेके और सारे लूप्स का एक बनाएंगे। इस तरह बना लिया हमने, फ्लावर का पेटल बना लिया और यहाँ पे चेन फोर स्पेस, चेन फोर करेंगे, वन टू थ्री एंड फोर चेन फोर, और यहाँ पे दूसरा पेटल बनाएंगे इस तरह। फर्स्ट टू लूप्स में से निकालना है, थ्री टाइम्स निकाल लेके इस तरह, थ्री डबल क्रोशे टुगेदर, हुक पर एक लूप लेके सारे लूप्स में से निकाल लेंगे इस तरह, थ्री डबल क्रोशे टुगेदर बनाएंगे, चेन वन, नेक्स्ट स्पेस में पेटल्स बनाएंगे, थ्री डबल क्रोशे टुगेदर बनाएंगे, पेटल बना लेंगे इस तरह। अब हुक पर एक लूप लेके और सारे लूप्स में से निकाल लेंगे, चेन फोर करेंगे, दोनों पेटल्स के बीच में चेन फोर का स्पेस रखेंगे, चेन फोर, अगेन सेम स्पेस में थ्री डबल क्रोशे टुगेदर, इस तरह हुक पर एक लूप लेके सारे लूप्स में से निकाल लेके चेन वन करेंगे। इस तरह हम हर स्पेस में टू पेटल्स बनाएंगे और दोनों पेटल्स के बीच में चेन फोर करेंगे, चेन फोर, अगेन थ्री डबल क्रोशे टुगेदर, पेटल बना लेके यहाँ पे, इनकम्प्लीट, थ्री डबल क्रोशे बना लेके, हुक पर एक लूप लेके सारे लूप्स में से निकाल लेंगे। इस तरह हम हर स्पेस में पेटल्स बनाएंगे, टू पेटल्स और बीच में चेन फोर का स्पेस रखेंगे। इस तरह हम वन साइड पेटल्स बना लेंगे। इस तरह हमने फोर टाइम्स इसे बना लिया। आगे के स्पेसेस में भी इसी तरह की पेटल्स बना लेंगे, यहाँ तक बना लेंगे। इस तरह हमने वन साइड के सारे पेटल्स बना लिए। लास्ट स्पेस में बना लेंगे थ्री डबल क्रोशे टुगेदर, चेन फोर करेंगे, अगेन सेम स्पेस में थ्री डबल क्रोशे टुगेदर, चेन थ्री करेंगे यहाँ पे, टू एंड थ्री, चेन थ्री या नोर करेंगे और इसी स्पेस में डबल क्रोशे बना लेके इस साइड का कॉर्नर बना रहे हम। अगेन यहाँ पे चेन थ्री करेंगे या नोर करेंगे और इसी स्पेस में इस साइड के पेटल्स बना लेंगे। दूसरी साइड से पेटल बना रहे हम, थ्री डबल क्रोशे टुगेदर करेंगे, पेटल बना लिया हमने, चेन फोर, अगेन सेम स्पेस में और एक पेटल बना लेके थ्री डबल क्रोशे टुगेदर, थ्री इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बना लेके, फर्स्ट टू लूप्स में से निकाल लेंगे लूप को, हुक पर एक लूप लेके सारे लूप्स का एक करेंगे, चेन वन। इस तरह हमने फ्लावर बना लिया और यहाँ पे दोनों साइड से चेन थ्री स्पेसेस बना लिए,
फोर पेटल्स का एक फ्लावर बना लिया हमने। एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर लेके बैक साइड से आगे कंटिन्यू करेगी। अगेन नेक्स्ट फ्लावर की टू पेटल्स कंप्लीट करेगी। यहाँ से स्पेस में से थ्री डबल क्रोशे टुगेदर बना लेंगे। इस तरह हुक पर एक लूप लेके सारे लूप्स में से निकाल लेंगे। चेन फोर अगेन यान और करेंगे, सेम स्पेस में थ्री डबल क्रोशे टुगेदर बनाएंगे। हुक पर एक लूप लेके और सारे लूप्स में से निकाल लेंगे चेन वन। इस तरह एक एक फ्लावर हम कंप्लीट करते जाएंगे। नेक्स्ट फ्लावर के भी टू पेटल्स बना लेंगे। यहाँ पे थ्री डबल क्रोशे टुगेदर, चेन फोर, अगेन सेम स्पेस में थ्री डबल क्रोशे टुगेदर। इस तरह बना लेके चेन वन करेंगे। इस तरह दूसरी साइड की टू पेटल्स हम बनाते जाएंगे और एक फोर पेटल की फ्लावर्स बनाते जाएंगे और ये दूसरी साइड कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक बना लेंगे। इस तरह हमने दूसरी साइड भी कंप्लीट कर ली। फ्लावर बना लिए हमने, 14 फ्लावर्स बनेंगे हमारे। इस तरह हमने सारे फ्लावर्स बना लिए। लास्ट टू पेटल्स बना लेंगे। यहाँ पे थ्री डबल क्रोशे टुगेदर, चेन फोर, अगेन सेम स्पेस में थ्री डबल क्रोशे टुगेदर। ये फ्लावर भी हमने बना लिया। अब चेन थ्री करेंगे, वन टू एंड थ्री। अब स्टार्ट में जो हमने चेन फोर बनाए थे उसके थर्ड चेन पर स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन करेंगे और धागा लंबा पुल कर लेके कट कर लेके। इस तरह हमारी ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनकर तैयार है। 14 फ्लावर्स और बीच में चेन थ्री। चेन थ्री का स्पेस रखा है हमने दोनों फ्लावर्स के बीच में। इस तरह बना लिया हमने। अब इसे हम क्रीम कलर की थ्रेड से बॉर्डर बना लेंगे। इस क्रीम कलर के थ्रेड का लूप बना लेंगे। यहाँ पे इस तरह नॉट लगा ली हमने और यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस डबल क्रोशे के ऊपर से हुक को पास करेंगे, लूप को पुल कर लेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे। इस थ्रेड के एंड को यहाँ से वर्क में लेंगे। अब इस स्पेस में फोर सिंगल क्रोशे करेंगे, वन टू थ्री एंड फोर। फोर सिंगल क्रोशे हमने बना लिए। इस स्पेस में दोनों पेटल्स के बीच में जो स्पेस है चेन फोर स्पेस, वहाँ पे सिक्स सिंगल क्रोशे बना लेंगे, टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। इस तरह बना लेंगे। अब इस स्पेस में सिंगल क्रोशे करेंगे, एक वन सिंगल क्रोशे। अगेन नेक्स्ट स्पेस में सिक्स सिंगल क्रोशे, टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स।
इस तरह बॉर्डर बनाते जाएंगे। नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे, इस तरह दोनों पेटल्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे 6 सिंगल क्रोशे करेंगे और दोनों फ्लावर्स के बीच वाली स्पेस में 1 सिंगल क्रोशे करेंगे। यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशे, फाइव एंड सिक्स, सिक्स सिंगल क्रोशे, दोनों फ्लावर्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे, अगेन 6 सिंगल क्रोशे। इसी तरह हम ये बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे, इस साइड की बॉर्डर बना लेंगे हम। यहाँ पे सिंगल क्रोशे, इसी तरह हम ये बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे। वन साइड यहाँ से स्टार्ट की थी हमने, इस तरह हमने एक साइड से बॉर्डर कंप्लीट कर ली, यहाँ तक बना लिया हमने इस साइड तक। यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब इस स्पेस में 4 सिंगल क्रोशे करेंगे, 2, 3 एंड 4, इस तरह बना लिया हमने। इस साइड पे 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1, 2। ये छोटी स्पेस है फिर भी यहाँ पे हमें 4 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, 3 एंड 4, इस तरह। नेक्स्ट स्पेस में 6 सिंगल क्रोशे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इस तरह बना लिया हमने। एक साइड हमने कंप्लीट कर ली यहाँ पे, दूसरी साइड स्टार्ट कर लिया हमने। इसी तरह हम दोनों पेटल्स के बीच में, दोनों फ्लावर्स के बीच में 1 सिंगल क्रोशे और दोनों पेटल्स के बीच में 6 सिंगल क्रोशे बना लेंगे और इस साइड को भी कंप्लीट कर लेंगे। इस साइड की बॉर्डर भी हम बना लेंगे इस तरह। नेक्स्ट स्पेस में 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्पेस में 6 सिंगल क्रोशे, इसी तरह कंटिन्यू करेंगे और ये साइड कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक बना लेंगे हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इस तरह हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरी साइड से भी हमने बॉर्डर बना ली, इस स्पेस में सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट स्पेस में 6 सिंगल क्रोशे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब इस स्पेस में 4 सिंगल क्रोशे बना लेंगे, 1, 2, 3 एंड 4, और यहाँ पर हमने डबल क्रोशे के ऊपर हमने जो सिंगल क्रोशे बनाया था उस पर स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह बना लिया हमने, बॉर्डर कंप्लीट कर ली, बहुत सुंदर लग रहा है। नेक्स्ट स्पेस में हुक को पास करेंगे, लूप को पुल कर लेंगे और सिंगल क्रोशे बना लेंगे।
यहाँ से हम चेन बना लेंगे, 40 या 50 चेन बना लेंगे हम, जितने आपको लेंथ चाहिए उतने आप बना सकते हैं। यहाँ पर हम 50 चेन बना लेंगे, बांधने के लिए डोरी बना रहे हैं हम। 50 चेन हमने यहाँ पे बना ली। अब यहाँ पे हम फ्लावर बनाएंगे, 1, 2, 3 चेन 3 करेंगे और थर्ड चेन पर 2 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बना लेंगे। हुक पर एक लूप लेके और सारे लूप्स में से निकाल लेके 3 डबल क्रोशे टुगेदर बना लिए हमने, पेटल बना लिया। चेन 4 करेंगे, सेम स्पेस में उसी चेन पर 3 डबल क्रोशे टुगेदर करेंगे। इस तरह 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बना लेंगे। हुक पर एक लूप लेके और सारे लूप्स में से निकालते जाएंगे, चेन 4 करेंगे, अगेन 3 डबल क्रोशे टुगेदर, 5 पेटल्स बना लेंगे इस तरह, चेन 4, अगेन 3 डबल क्रोशे टुगेदर। अब लास्ट पेटल बना लेंगे, चेन 4 करेंगे, यहाँ पर 2 डबल क्रोशे टुगेदर करेंगे। हुक पर एक लूप लेके सारे लूप्स में से निकाल लेके चेन 3 करेंगे और सेम स्पेस में स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह बना लिया हमने फ्लावर। डोरी के एंड में जो फ्लावर होता है वो बना लिया हमने। अब इस डोरी को और भी मजबूत बनाएंगे, हर स्पेस में हर चेन पर एक स्लिप स्टिच करते जाएंगे। थोड़ा लूप को पुल कर लेंगे और हर स्टिच पर हुक को पास करेंगे, लूप को पुल कर लेंगे, इस तरह बना लेंगे। 50 चेन पर हम इस तरह बना लेंगे, स्लिप स्टिच करते जाएंगे, हर स्टिच पर लूप को पुल करते जाएंगे और नेक्स्ट स्टिच पर हुक को पास करेंगे, लूप को पुल कर लेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। 50 स्लिप स्टिचेस बना लेंगे हम इस तरह, डोरी बना लेंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ तक स्लिप स्टिचेस बनाते जाएंगे, डोरी बना लेंगे। यहाँ तक हमने स्लिप स्टिचेस बना ली, लूप को पुल कर लेंगे, नेक्स्ट स्टिच पर स्लिप स्टिच, लूप को पुल कर लेंगे, नेक्स्ट स्टिच पर स्लिप स्टिच, नेक्स्ट स्टिच पर स्लिप स्टिच, लूप को पुल कर लेंगे। थोड़ा लंबा पुल करना है, कट कर लेंगे धागे को। इस तरह हमने डोरी बना ली। अब इस धागे के एंड को सुई में पिरो लेंगे, बैक स्टिचेस में हाइड कर देंगे। इस तरह ब्यूटीफुल फ्लावर बना लिया हमने डोरी के एंड में। अब इस बचे हुए थ्रेड को हमें सुई में पिरोना है। इस तरह यहाँ से पीछे की तरफ ले जाएंगे, यहाँ पर एक नॉट लगा लेंगे, और बैक स्टिचेस में धागे को हाइड कर देंगे। इस तरह हम थ्रेड को हाइड कर देंगे और रिमेनिंग थ्रेड को कट कर लेंगे। इस तरह हमने एक साइड से डोरी लगा दी और फ्लावर भी बना लिया डोरी के एंड में। अब दूसरी साइड से भी हम डोरी बना लेंगे, यहाँ से इस डबल क्रोशे के ऊपर से
जो चेन है उसमें से इस लूप को पुल कर लेके इतना धागा नीचे रखना है। नेक्स्ट स्टिच में से हुक को पास करेंगे, लूप को पुल कर लेंगे और दोनों लूप्स में से सिंगल क्रोशे करेंगे। अगेन यहाँ पे 50 चेन बना लेंगे हम। इस तरह हमने 50 चेन बना ली। अब यहाँ पे नेक्स्ट फ्लावर बना लेंगे हम। चेन 3 करेंगे या नोर करेंगे। फर्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशे टुगेदर, पेटल बना लेंगे, हुक पर एक लूप लेके और सारे लूप्स में से निकाल लेंगे 3 डबल क्रोशे टुगेदर, चेन 4, सेम स्टिच में हुक को पास करेंगे, 3 डबल क्रोशे टुगेदर करेंगे, सेकंड पेटल बना रहे हैं हम। इस तरह चेन 4 करेंगे और सेम स्टिच पर थर्ड पेटल बनाएंगे। यहाँ पे 3 डबल क्रोशे टुगेदर, चेन 4, अगेन सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशे टुगेदर, फोर पेटल्स हमने बना लिए, चेन 4 करेंगे। अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशे टुगेदर करेंगे, इस तरह चेन 3 करेंगे और सेम स्पेस में स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह हमने इस साइड के डोरी के एंड में भी फ्लावर बना लिया। अब हम स्लिप स्टिचेस करेंगे 50 चेन पर। लूप को थोड़ा पुल कर लेंगे, हर स्टिच में हुक को पास करते जाएंगे और स्लिप स्टिच करते जाएंगे। लूप को पुल करते जाएंगे, हर स्टिच में स्लिप स्टिच, हर स्टिच पर स्लिप स्टिच करते जाएंगे। जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ तक बना लेंगे। इस तरह स्लिप स्टिचेस बना लेंगे। इस तरह इस स्टोरी को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक स्लिप स्टिचेस बना लेंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। इस तरह हमने स्लिप स्टिचेस बना लिए। नेक्स्ट स्टिच पर स्लिप स्टिच, यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, नेक्स्ट स्टिच पर स्लिप स्टिच, यहाँ पर नेक्स्ट स्पेस में स्लिप स्टिच करेंगे और धागा पुल कर लेंगे। यहाँ पर चेन नहीं करेंगे, ऐसे ही धागा पुल करना है। धागे को कट कर लेंगे, टेपेस्ट्री नीडल में पिरो लेंगे और बैक साइड में, यहाँ से बैक साइड में ले जाएंगे, नेक्स्ट स्टिच में से पीछे की ओर ले जाएंगे। अब यहाँ पे जो हमने धागा छोड़ा था उसके साथ इसकी नॉट लगा लेंगे। 2 नॉट्स बनानी है। अब दोनों थ्रेड्स को दोनों साइड से हाइड कर देंगे। इस थ्रेड को यहाँ से हाइड करेंगे, इसे इस साइड से हाइड कर देंगे बैक साइड स्टिचेस में और एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर लेंगे।
इस तरह धागे को कट कर लेके और इस धागे को इस साइड में हाइड कर देंगे इनसाइड स्टिचेस में से। यहाँ पर हाइड कर देंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर लेंगे। थ्रेड को कट कर लेंगे। इस तरह हमने दूसरी साइड से भी डोरी लगा दी। दोनों डोरियों के एंड में हमने ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स बना लिए। बहुत सुंदर ऐसा हमारा हेडबैंड रेडी है, क्रोशी फ्लावर हेडबैंड। बहुत सुंदर लग रहा है। आप इसे एक्रेलिक यान या वूल से भी बना सकते हैं। 4-ply एक्रेलिक यान या 4-ply वूल। यहाँ पे हमने 3-ply कॉटन थ्रेड्स यूज़ किए हैं। कॉटन थ्रेड में ये बहुत सुंदर बनता है। इस तरह आप यहाँ पे बीड्स लगा सकते हैं, स्टिच कर सकते हैं या फैब्रिक ग्लू से चिपका सकते हैं। हॉट गन से भी आप इसे चिपका सकते हैं। इस तरह और भी सुंदर लगेगा। सो फ्रेंड्स, आप भी इसे बना सकते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अलग अलग कलर के थ्रेड्स में आप इसे बना सकते हैं। सिंगल कलर से भी ये बहुत सुंदर बनता है। इसे आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर ऐसा डिज़ाइन है। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।